खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आज की बड़ी खबर में अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के सीएम मनोहर लाल खट्टर का सुशासन गोलियों से छलनी हुआ है। दरअसल खट्टर जिस राज्य के सीएम हैं, वहीं कांग्रेस के नेता की गोलियों से भूनकर कांग्रेस के नेता को मार डाला गया, गोलियां मारकर हत्या कर दी गई कांग्रेस नेता की, और ये पूरी जो वारदात है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल फरीदाबाद में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या और उसके बाद सनसनी फैली हुई है। ये देखिए किस तरीके से गोलियों से भून दिया गया विकास चौधरी को। ये सीसीटीवी का फुटेज जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वारदात आज सुबह की है। विकास चौधरी पर उस वक्त हमला हुआ जब वो जिम से एक्सरसाइज कर निकल रहे थे। दो हमलावरों ने विकास चौधरी को 10-12 गोलियां मार दी। अस्पताल ले जाया गया विकास चौधरी को, लेकिन उनकी मौत हो गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास चौधरी की हत्या कर दी गई है। हरियाणा खट्टर सरकार और खट्टर के राज में गोलियों की भरमार। 12 गोलियों से छलनी खट्टर का सुशासन। तो यह हत्याकांड जो आज सुबह हुआ हरियाणा में खट्टर के शासन पर बड़ा सवालिया निशान लगाता हुआ। गोलियों की गूंज से दहल उठा फरीदाबाद। एक दो नहीं, 12 गोलियों से भून डाला गया विकास चौधरी को, जो कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता थे। देखिए कैसे कार से उतरे बदमाश और विकास को भून डाला। विकास उस समय जिम से वापस लौट रहे थे एक्सरसाइज करके। दो बदमाशों ने 10-12 गोलियां विकास पर दाग दी। तो फरीदाबाद में सड़क पर अपराधियों का आतंक, और इसके बाद कांग्रेस जो है वो आक्रामक हो गई है। रणदीप सुरजेवाला का खट्टर सरकार पर निशाना, भाजपा राज में प्रदेश गुंडा राज और संगठित अपराध का गढ़ बन गया है। कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। ट्वीट कर रणदीप सुरजेवाला ने सवाल उठाया है मनोहर लाल खट्टर सरकार पर। आगे अपने ट्वीट में वो लिख रहे हैं, गुंडे बदमाशों और अराजक तत्वों का बोलबाला है इस माहौल की। दोषी सिर्फ खट्टर सरकार ही है। और वहीं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा किस तरीके से घेर रहे हैं खट्टर सरकार को, वो भी जरा सुनिए। हमारा टाइम भी था, सब बदमाश गुंडे छोड़ गए थे हरियाणा। अमीर साहब के सामने ही बात आज, कहां से कहां पहुंच गए कानून व्यवस्था। तो सुन रहे थे आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, सीधे सीधे सवाल उठा रहे हैं मनोहर लाल खट्टर सरकार पर। और इसके साथ ही आपको बताते हैं हरियाणा में कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले गोलीकांड ने कांग्रेस को तो जैसे मौका ही दे दिया है खट्टर के सुशासन के दावे पर सवाल उठाने का। किस तरीके से कांग्रेस के बाकी नेता भी सामने आ रहे हैं, घेराबंदी कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर सरकार की, ये भी देखिए। बिल्कुल, हमारे बहुत ही मजबूत मेहनती साथी थे और जिस तरीके की ये घटना घटी है, 12 गोली जो अभी सीसीटीवी फुटेज आई है उसमें बताया 12 गोलियां लगी हैं और बचने की संभावनाएं बहुत कम है। बहुत गंभीर हालत में हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया है और तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। यही जंगल राज इसी को कहते हैं, जहां अपराध और अपराधियों का बोलबाला हो, कोई कानून का राज ना हो, पूरी तरीके से अपराध की राजधानी बन गया है और सरकार का अंकुश कहीं दिखता नहीं है। देखिए विकास चौधरी राजनीति में आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। मैं विकास चौधरी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस। विकास जी, क्या अभियान चलाया जा रहा है, क्या अभियान है, उसका उद्देश्य क्या है? आज ही हमने अभियान, हमारे फरीदाबाद की बुरी तरह दुर्दशा जो हो रही है, जो फरीदाबाद में जगह जगह कूड़े के और गंदगी के अंबार लगे हुए हैं और हमारे इसके कारण फरीदाबाद में जो महामारी फैल रही है बच्चों को और नौजवानों को, जो सांस में और जो दिक्कतें आ रही हैं उसको देखते हुए आज हम सब कांग्रेस के साथियों ने एक संकल्प लिया कि ये सरकार तो कुछ काम कर नहीं रही, इसलिए हम सब लोग आज यहाँ पर लोगों को एक
सांकेतिक तौर पे हैं, कूड़ा उठाने आए हैं और बताने आए हैं कि इस सरकार में अगर आपको जीना है, स्वास्थ्य की अपनी रक्षा करनी है, तो खुद हाथ में कस्सी, फावड़ा, झाड़ू, बेलचा लेना पड़ेगा और गंदगी खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह जो सरकार है ये तो पूंजीपतियों की सरकार है। और यहां से 300 मीटर की दूरी पे जो हमारे पर्यावरण मंत्री घर है, आप लगा सकते हैं, वो पर्यावरण की ये तो रक्षा कर रहे हैं, वो खुद तो मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को जागना पड़ेगा और अपने सेहत की रखवाली करनी है तो खुद कूड़ा उठाना पड़ेगा। सरकार की बात माने तो सरकार ने गाय मुक्त हरियाणा की हुई है, स्वच्छ मुक्त किया हुआ है, क्या कहेंगे इस बात पे? गाय मुक्त की बात ऐसी, आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, दो ट्रक कूड़ा पड़ा और गाय ये देखिए पॉलिथीन खा रही है, आपके सामने कूड़ा खा रही है, तो आप लगा सकते हैं गाय मुक्त और प्रदूषण मुक्त तो क्या है। ये तो सिर्फ लोगों को भरगलाने का काम करते हैं। कहा था फरदाबाद स्मार्ट सिटी बनेगी, बना दी नरक सिटी।